फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे चावल से बनी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी। इस नाश्ते को घर पे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू राधास किचन। सबसे पहले यहाँ पर मैं चावल को भिगा कर रखी थी, कच्चा चावल यहाँ पर मैं ली थी। इसको 4 घंटा के लिए भिगो कर छोड़ दी थी। आप ओवरनाइट के लिए भी भिगो सकते हैं चावल को। इस वाली कटोरी में 1 कटोरी चावल को मैं अच्छे से 2 से 3 बार धोकर भिगाई थी। आप अपने हिसाब से चावल का क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस चावल को हम पीस लेंगे ग्राइंडर जार में डालकर। इसमें 2 हरी मिर्ची को टुकड़ा करके डाल देंगे। 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे। 5 से 6 लहसुन की कली डाल देंगे और इसको फाइन पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर हमारा ज़्यादा पतला या फिर ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, सेमी थिक बैटर बनाएंगे। इस तरह रिबन की तरह गिनना चाहिए बैटर। ज़्यादा पतला करके बैटर बनाएंगे ना तो हमारा नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा कम करके ही डालेंगे। यहाँ पर 1 कटोरी ग्रेट किया हुआ उबला हुआ आलू ली हूँ। जिस कटोरी में मैं चावल ली थी उस कटोरी में उबला हुआ आलू 1 कटोरी ली हूँ ग्रेट करके। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर के साथ और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सेमी थिक बैटर तैयार करेंगे। अब एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, नहीं तो पतला हो सकता है बैटर। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जितना ज़रूरत के हिसाब से। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बैटर रेडी हो गया है। इस तरह का बैटर होना चाहिए। अब इस बैटर को हम ढककर छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और इसमें डाल देंगे 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया का पत्ता को बारीक काट कर डाल देंगे, 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, थोड़ा सा कड़ी पत्ता को हम छोटा छोटा काट के डाल देंगे, 1/2 चम्मच खड़ा जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 1 चम्मच नमक मैं यहाँ पर डाली हूँ। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर बैटर आप देख सकते हैं थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है, बिल्कुल भी पतला बैटर नहीं करना है। जैसे हम पकौड़ी वगैरह बनाते हैं ना वैसे ही बैटर होना चाहिए। अभी इसमें हल्का गुनगुना ऑयल डाल देंगे 2 से 3 चम्मच। ऑयल डालने से हमारा जो नाश्ता है वो कुरकुरा बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसानी से हमारा नाश्ता तैयार हो जाता है बहुत कम समय में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर इस तरह का हाथों में लेने से तुरंत गिरता नहीं है, जैसे पकौड़ी का बैटर है वैसे ही बना है। अभी चलते हैं गैस की तरफ। गैस के ऊपर कढ़ाई में मैंने रिफाइन ऑयल को गर्म कर लिया था। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के इसका पकौड़ी तैयार करेंगे। गैस के फ्लेम को हम मीडियम में रखेंगे। मीडियम फ्लेम में पकौड़ी को हम फ्राई करेंगे, तभी अच्छे से अंदर तक ये फ्राई हो जाएगा। हाई फ्लेम में अगर इसको फ्राई करेंगे ना तो अंदर तक अच्छे से फ्राई नहीं होगा और ऊपर का जल्दी से ब्राउन हो जाएगा, तो इसलिए गैस के फ्लेम को मीडियम में ही रखेंगे। कढ़ाई में जितना स्पेस है उतना ही डालेंगे और 1 मिनट तक इस तरह छोड़ने के बाद इसको पलटेंगे। 1 मिनट तक इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। 1 मिनट के बाद ही इसको हल्के हाथों से चम्मच के सहायता से हम पलट देंगे। पलटते पलटते हल्का गोल्डन कलर आते तक इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा लाल नहीं करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पकौड़ी है फ्राई हो चुका है। अभी इसको हम निकाल लेंगे। चावल और आलू का पकौड़ी बन के रेडी हो गया है। 4 से 5 मिनट लगता है इसको फ्राई होने के लिए। सेम प्रोसेस में हम सारे पकौड़ियों को फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। फ्रेंड्स, ये लीजिए कच्चा चावल और आलू से बनी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार गर्मा गर्म नाश्ता बनके रेडी है। इसको देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। बहुत कम समय में घर के ही कुछ चीज़ों से हमने ये नाश्ता को बनाकर रेडी किया है। ये नाश्ता ऊपर से हल्का क्रिस्पी रहता है और अंदर से सॉफ्ट रहता है। इस नाश्ते को आप कोई भी सॉस या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस तरह का न्यू रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।